गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम समुच्चय सिद्धांत का कुछ अलग से ट्रिक प्रतियोगी परीक्षा हेतु बताएंगे। इसके पहले हम समुच्चय सिद्धांत के बारे में दो लेक्चर सामान्य लेवल पे दे चुके हैं, स्कूल लेवल पे। अब इसमें कुछ सिद्धांत तो वही है, बस थोड़ा तरीका अलग अलग रहेगा या कुछ क्वेश्चन कठिन रहेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे सर्वनिष्ठ पर हम आते हैं, दो समुच्चय हमारे पास है, एक ऐसा है कि एक वास्तविक संख्या है और उसका मापांक लेस देन वन है। दूसरा है बी, इसका एलिमेंट एक्स है, एक वास्तविक संख्या है और एक्स माइनस वन का मापांक एक से ज्यादा है। तो हमको निकालना है, अच्छा साथ में ये दिया हुआ है कि आर माइनस डी इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हमको डी को फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन है। डी को हमको फाइंड करना है, डी किसके बराबर होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो ए और बी को हमको निकालना पड़ेगा, ए और बी को हमको निकालना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मापांक, मापांक का मतलब होता है जैसे मॉड ऑफ माइनस टू इक्वल टू टू एंड मॉड ऑफ टू इक्वल टू टू। तो चर के रूप में जब परिभाषित करते हैं, चर के रूप में परिभाषित करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेते हैं जब एक्स जीरो से बड़ा या बराबर है, और इसको लेते हैं माइनस एक्स जब एक्स जीरो से छोटा है। देख सकते हो ये तो परिभाषा पहली होता है, यदि जीरो से बड़ा या बराबर तो सीधा सीधा उसी को रख देना है, यदि जीरो से छोटा जैसे ऋणात्मक वन के पैक लेके यहाँ रखना है। इस प्रकार इसकी परिभाषा होती है। अब हमको जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन इसका निकालना है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, तो इसका एक तरीका है कि वो सभी संख्याएं जिनका मॉड एक से छोटा है, जिनका मॉड एक से छोटा है उसको हमको लेना है। इसमें इसमें सिर्फ छोटा है, इसमें बराबर का भी चिन्ह है। तो मॉड ऑफ एक से वे मान जिनका परिमाण एक से छोटा है, इसको जानने के लिए आप सोच सकते हो कि जो एक से छोटा होगा उसका परिमाण एक से छोटा होगा, जो भी एक से बड़ा होगा उसका भी होगा। तो डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो कि जो माइनस वन से बड़ा होगा एक से, और एक से छोटा होगा उस समय ये फॉलो करेगा। एक से बड़ा होगा वो दशमलव में होगा, ऋणात्मक दशमलव में मापांक लेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, और एक से छोटा होगा वो भी उनका मापांक एक से छोटा हो जाएगा। इसको निकालने का एक तरीका और है कि ये मान को जब घटाएंगे तो इधर प्लस माइनस एक्स डाल दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसे मॉड घटाएंगे तो प्लस माइनस डाल दिए, अब इसमें प्लस लेंगे तो एक्स इज लेस देन वन, और माइनस लेंगे तो माइनस एक्स इज लेस देन वन। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो वन इधर आएगा, माइनस वन से बड़ा है एक्स, एक्स जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो ये लाइन इसका आ गया। इसी प्रकार दूसरा बी का वैल्यू को लिखने के लिए, बी का वैल्यू को लिखने के लिए हम मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ऐसा लिखा हुआ है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिखा हुआ है तो इसमें प्लस माइनस यहाँ डालते हैं, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन जैसे इसमें किए थे वैसे ही। अब प्लस लेंगे तो एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन उधर जाएगा तो एक्स इज ग्रेटर देन फोर इक्वल टू टू हो जाएगा। अब माइनस लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन, माइनस मल्टीप्लाई होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन दोनों साइड से कट जाएगा तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पक्षांतर करेंगे तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो ऐसे आ गया। तो इस प्रकार ए का एलिमेंट यदि हम देखें, ए का एलिमेंट एक्स है। देखिए अभी कॉम्पिटिशन लेवल में आप तुरंत कुछ और चैप्टर जैसे पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अभी आपको हम स्टार्टिंग से समझा रहे हैं क्लास इलेवन में, तो ये सब कैलकुलेशन मतलब आगे जा करके और कोई चैप्टर पढ़ेंगे फॉरन बन जाए तो जल्दी से बन जाता है। एक्स का एलिमेंट एक्स है, एक्स वास्तविक संख्या है, ऐसा है कि ये माइनस वन से बड़ा है एक्स और एक से छोटा है, और बी आ गया एक्स ऐसा है कि एक्स वास्तविक संख्या है और एक्स जीरो से छोटा है और टू से बड़ा है, एक्स जीरो से छोटा है और टू से बड़ा है।
एक्स टू से बड़ा या बराबर भी है तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए जीरो से छोटा है मतलब माइनस इंफिनिटी तक सभी इसमें शामिल हो गया। ये दो से बड़ा है मतलब उधर प्लस दो से दो के आगे प्लस इंफिनिटी तक का सभी वैल्यू एक साथ शामिल हो गया उसमें। अब रहा है इसकी बात, कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, उसको भी इंक्लूड करना है, उसको भी इंक्लूड करना है। कौन सा एलिमेंट है उसको देखते हैं। ये जीरो से छोटा है बड़ा है तो जीरो से छोटा में इसका ये जो जीरो और माइनस वन के बीच में आया वो तो आ गया, और ये दो से बड़ा है बड़ा है और इसको एक से छोटा है बड़ा है, मतलब क्या हो गया कि जो एक और एक के आगे जो दो से कम है वो सब वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ये बोल रहा है कि एक से छोटा है, ये बोल रहा है दो से बड़ा है, तो एक और दो के बीच में जो नंबर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वन भी उसी में इंक्लूड है, एक से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहाँ तक का वैल्यू है एक्स जो है, यदि इसको इंटरवल अभी आप नहीं पढ़े होंगे, इंटरवल दर्शा के ज्यादा अच्छा होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो तक का एलिमेंट इसमें आ गया, उसके बाद अच्छा वन तक आ गया, लेस देन वन तक का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब वन शामिल नहीं है लेकिन यहाँ बीच में गेप है, और उसके बाद जो दो से बड़े या बराबर है वो सब वैल्यू यहाँ आ गए, जो दो से बड़े या बराबर है वो सब वैल्यू यहाँ आ गए। ये वन शामिल नहीं है लेकिन टू किसी में शामिल है, इक्वल लिखा है, टू से कम वाले शामिल नहीं है और वन भी इसमें शामिल नहीं है, वन से लेस शामिल है, ऐसा करके इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक ये खाली है, तो जब इसका वो लेंगे, देखिए हमको निकालना है r माइनस डी इक्वल टू ए यूनियन बी, हमको डी निकालना है तो बी को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, r माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू डी, मीन्स डी जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है जबकि यूनिवर्सल सेट r है, मैंने r में से ए यूनियन बी के सब एलिमेंट है उसको हम कटा देंगे तो जो बचेगा वो एलिमेंट होगा आर माइनस ए यूनियन बी या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये हैं एक्स और वास्तविक संख्या है, देखिए इसमें कौन सा नहीं है बोला मैं, वन नहीं है, ठीक है वन नहीं है लेकिन वन से छोटे इसमें है तो इसमें वन रहेगा, एक्स जो है एक से बड़ा या बराबर है, एक किसी में इसमें नहीं है बोला तो एक इससे कॉम्प्लीमेंट करेगा, और एक से देखा कि दो दो इसमें है तो दो इसमें ही रहेगा, तो लेस देन टू ऐसे करके लिखेंगे। वन और टू के बीच की संख्या है लेकिन वन इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल होगा, टू इसमें शामिल है तो टू इसमें शामिल नहीं होगा, उससे छोटे मान वास्तविक संख्या, क्योंकि दो वास्तविक संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इस आधार पे उन संख्याओं को निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ, डी कैसे निकालेंगे उसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीशन लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ, इसमें क्या है जैसे आप थ्योरी जैसे बताएंगे तो अलग से क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम थ्योरी को भी क्वेश्चन में मिला करके बताते हैं। जैसे यहाँ तीन सेट है, अच्छा दो सेट है और यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या 700 है, सेट ए में एलिमेंट 200 है, सेट बी में 300 है, सेट बी में 300 है एंड इसमें 100 है इनके इंटरसेक्शन में, तो हमको फाइंड करना है इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो फाइंड करना वैसा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन है, ये फाइंड करना है हमको। तो डी मॉर्गन थ्योरम हम बताए थे, डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव भी किए थे फर्स्ट लेक्चर था कि सेकंड लेक्चर उसमें, तो डी मॉर्गन लॉ के अनुसार क्या ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट यदि हम यहाँ पर डाल देंगे तो ये यूनियन बन जाएगा, मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट,
ये निकालना है। अब एन ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं यहां से, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 300 माइनस 100, तो ये 400 हो गया। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो गया, इनवर्सल सेट के नंबर से कटा देना है, इतने एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में इनवर्सल सेट से इतने कटा के मिलेगा। तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 700 माइनस 400 इक्वल टू 300, इस प्रकार ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें कुछ समाचार पत्र के बारे में दिया हुआ है। समाचार पत्र, समाचार पत्र में जो टोटल यूनिवर्सल सेट है समष्टि समुच्चय 10,000 लोगों के बीच में मान्य सर्वे किया गया, तो समाचार पत्र ए को पढ़ने वाले 40% थे, समाचार पत्र बी को पढ़ने वाले 20% थे और समाचार पत्र सी को पढ़ने वाले 10%। उसके बाद ए और बी को पढ़ने वाले 5% है, बी और सी को पढ़ने वाले 3% है और ए एंड सी को पढ़ने वाले 4% है और तीनों को पढ़ने वाले इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास इतना टाइम है कि तीन तीन समाचार पत्र पढ़ेंगे, ऐसा ये दो लोग हैं दिन भर कुछ काम नहीं करेंगे, इन लोग तीन तीन समाचार पत्र पढ़ेंगे। और हमको निकालना है इसमें सिर्फ केवल ए, केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वाले, ये हमको निकालना है। ये वाले कितने लोग पढ़ते हैं ये हमको जानना है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला है, फार्मूला उस समय भी बताए थे, फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा होता है फार्मूला। उससे हमको यूनियन तो पता चल जाएगा समाचार पत्र पढ़ने वालों को, लेकिन इसमें सिर्फ ए बोला है, सिर्फ ए बोला है, तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है, तीनों तीनों में पढ़ने वालों को माइनस कर दें तो क्या निकल सकता है, नहीं मिस्टेक हो सकता है, इसलिए कि तीनों पढ़ने वाले दो हैं, ये दो तो इसमें शामिल है लेकिन ए इंटरसेक्शन सी पढ़ने वाला भी इनमें और इनमें कौन शामिल है कौन सा ए नहीं है ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं जान सकते, इसलिए क्या है कि उसको उस तरह से निकालना उचित नहीं है। वैसे माइनस करके निकाल सकते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 2 7 7 आ गया, जो मिक्स पढ़ रहे हैं ए और जो सिर्फ ए पढ़ रहा है इसको 40 से माइनस किया जा सकता है। लेकिन ये सिद्धांत यदि आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए वेन डायग्राम से इसको इजीली निकाला जा सकता है। वेन डायग्राम में ये ए समाचार पत्र पढ़ने वाले, बी और ये सी समाचार पत्र पढ़ने वाले। अब हमको सबसे पहले वेन ने ये सब संख्या दिया है, ये वाले हिस्से को पढ़ते हैं, ये वाला वो हिस्सा है जो ए इधर बी और इधर सी तीनों में शामिल है, इधर से सी इधर से ए इधर से बी तीनों में शामिल है, तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है जो तीनों पढ़ते हैं वो 2 है, जो उनका जगह 2 हो गया। उसके बाद ये यदि भरना चाहे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा एरिया है, इसमें पहले से 2 आ चुका है, 5 है तो 3 यहाँ आएंगे, ये वाले ए और बी को पढ़ने वाले। उसके बाद बी और सी का एरिया देखें, बी इंटरसेक्शन सी 3 है, इसमें से 2 यहाँ आ गया, ये 1 ऐसे आ जाएगा। बी और सी दोनों पढ़ने वाले टोटल 3 है, लेकिन सिर्फ बी और सी को पढ़ने वाले,
जो है वो एक है, क्योंकि जो दो पढ़ते हैं वो साथ में ए भी पढ़ रही है ऐसा। फिर ए इंटरसेक्शन सी चार है और दो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पर दो आएगा। अब बोला है सिर्फ ए, सिर्फ ए का एरिया ये है जिसको अब मैं फाइंड कर सकता हूँ। एन इक्वल टू है 14 और उसमें से 14 में से तीन लोग ऐसे हैं जो ए के साथ बी भी पढ़ते हैं, दो लोग ऐसे हैं जो ए के साथ सी भी पढ़ते हैं, और दो लोग ऐसे हैं जो ए के साथ बी और सी दोनों को पढ़ते हैं। इतने 7 लोग तो यहाँ आ चुके हैं, तो बच गए अपने पास 33% लोग हैं जो सिर्फ ए पढ़ते हैं। तो सिर्फ ए पढ़ने वालों की जो संख्या है वो 33% है, 33/100 × कितने लोग हैं 10,000, तो 2 0 कर दिया, 3300 लोग हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन वेन डायग्राम से इजीली किया जा सकता है। देखिए इसमें एक माइनस और इंटरसेक्शन वगैरह का कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे करके। इसमें है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें बस स्टेटमेंट ये करके जैसे उसमें बताते कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये विशेष टाइप का वो है कि ए माइनस बी, ए डेल बी जिसको कहा जाता है, उस समय हमने बताया था सममित अंतर, ए डेल बी इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसको ध्यान से कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का कैलकुलेशन किया जाए। ए माइनस बी मतलब वो ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है उनका नहीं शहर गया, और ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो हाँ आएगा, मतलब उभयनिष्ठ यहाँ पर हट गया, और बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो यहाँ आएगा, मतलब यहाँ भी उभयनिष्ठ नहीं है हट गया। तो कुल मिला के उभयनिष्ठ माने टोटल ए यूनियन बी में से उसके उभयनिष्ठ को हटा दिया गया है, उभयनिष्ठ को हटा दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, उभयनिष्ठ अवयवों को यहाँ हटा दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब कहाँ से हटाया गया दिया गया है, यूनियन से, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा यूनियन, इसमें से माइनस कर देना हमको ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है इसलिए, तो इस प्रकार ये प्रूफ होगा। आगे हमको इसमें एक अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए पूरे का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होगा, ये फाइंड करना है हमको, इसके बराबर होगा। तो अभी कुछ देर पहले लगभग ऐसे ही सॉल्व किए हैं, तो ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया था, वो ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया था। अब ये तीन सेट है ये किसके इक्वल होगा, तो इसको क्या है तीन सेट है तो वेन डायग्राम से बना लेते हैं। सबसे पहले तो बी मार्बल वाला लगा देते हैं, बी मार्बल वाला लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन सी माइनस ए हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए, अलग से लगाएंगे तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये ए है ये बी है ये सी है। यदि फर्स्ट में देखूं ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का एरिया कौन सा है, ए के वे एवरेज जो बी है उसको हटा देंगे, क्योंकि ए माइनस बी का एरिया मतलब इतना हट जाएगा ए माइनस बी,
ये माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया कि ए में है ए माइनस बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी करेंगे तो बी के अगर एलिमेंट को हटाएंगे तो ये पूरा एलिमेंट हट जाएगा, ये वाले एरिया आएगा ए माइनस बी, ये पूरा एरिया, और उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जो छूट रहा है, ये वाला एरिया आएगा ये है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ। उसके बाद ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट जैसे ए में से सी को हटा देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ये, और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, तो ये चलो क्रॉस क्रॉस ऐसे कर देते हैं, ये है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, और वैसे ही इधर भी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया आएगा, इसमें ऐसे 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 बचता है, तो ये ए माइनस बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो देख सकते हैं तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, तीनों का इंटरसेक्शन मैंने ये इसमें इसका डॉट वाला क्या है इधर क्रॉस वाला क्या है इधर देख सकते हैं पार्ट यहाँ पर आ रहा है तो ये तीनों का उतना ही एरिया है वो इंटरसेक्शन, तो ये इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जैसे ये कितने नंबर का था, आगे देखते हैं तिरसठ लोग पनीर पसंद करते हैं और 76 लोग सेब पसंद करते हैं, एक से दोनों पसंद करते हैं, तिरसठ लोग पनीर पसंद करते हैं और 76 लोग 76% लोग सेब पसंद करते हैं, एक से 1% दोनों पसंद करते हैं, तो एक का अधिकतम वह न्यूनतम मान जाता है, दोनों पसंद करते हैं उनका, तो देखिए अभी एक से था एक तो इस फार्मूला से एन इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, इस फार्मूला से निकाला जाए तो प्रतिशत में दिया है तो टोटल सम को हम 100 मान लेते हैं, ये 63 प्लस 76 माइनस x ये x प्रतिशत है तो x इक्वल हो जाएगा 39 माइनस 100 इक्वल टू 39, तो ये जो 39 का मान है ये फार्मूला से निकालेंगे इतने तो कम से कम होने ही चाहिए, जब ऐसा है तो सौ को इतना इतना का फैक्टर इतना कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी क्योंकि एक से चर के रूप में दिया है, देखिए ये बड़ा समुच्चय है ये छोटा समुच्चय है दोनों में कितने उभयनिष्ठ हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं जो छोटा नंबर है, एक 63 एलिमेंट का ले रहे हैं अगर 76 एलिमेंट का दो समुच्चय ले रहे हैं दोनों में ऐसे भी करके ज्यादा से ज्यादा यदि कॉमन ले सकते हैं तो जो छोटा नंबर है ये 19 से छोटा है वो अधिकतम लिया जा सकता है 63, इसीलिए एक का अधिकतम अधिकतम मान 63 होता है, एक्स का अधिकतम मान 63। इस प्रकार आगे देखते हैं हम जैसे a माइनस बी है इसको और किस तरह लिखा जा सकता है, तो x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a तथा x does not belong to b, ये तो इसको और आगे कैसे लिखा जा सकता है, x belongs to a तथा x belongs to b कॉम्प्लीमेंट, जब भी मैंने उसके b कॉम्प्लीमेंट में तो यह सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से ये हो गया x belongs to a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसके इक्वल है। आगे कुछ संबंध पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं,
संबंध पर आधारित क्वेश्चन। इसमें एक संबंध है ऑर्डर पे, इस प्रकार को संबंध कहते हैं। दो एक साथ लिखते हैं समुच्चय, एक समुच्चय जिसका ए अवयव है, एक समुच्चय जिसका बी अवयव है। इस प्रकार है कि 2a² + 5 3b² = 35 और ab जो है वो जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्ण संख्या के रूप में होगा, प्लस माइनस भले ही हो सकता है। तो इनमें संबंधों की कुल संख्या या कुल संबंधों की कुल संख्या या कुल एलिमेंट इससे कितने होंगे, कुल एलिमेंट कितने होंगे, ये हमको निकालना है। इस समुच्चय में संबंध के रूप में है ये समुच्चय, उसमें कितने कुल अवयव होंगे। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला 2a² + 3b² = 35। एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको ट्रायल से कराना पड़ता है। ट्रायल का मतलब होता है कि एक को कोई वैल्यू दो और दूसरा वैल्यू उससे निकलेगा क्या। तो देखिए इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, इंटीजर है तो इंटीजर है तो, लेकिन 35 उनका समान आना चाहिए। अब जैसे मैं मान लो b को 0 कर दूंगा तो a² = 35/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इंटीजर हमको इंटीजर लेना है, इसीलिए मैं b 0 नहीं ले सकता। यदि मैं 1 लूंगा तो बी 1 लूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा 32, वहां तक कुछ वैल्यू हो सकता है। मैंने b = ±1 लेने का कैलकुलेशन हो सकता है, 0 पे नहीं होना था, ये रेशनल नंबर बन जा रहा था। ये जो है b = ±1 लेने का क्या हो जाएगा, 2a² + 3 + लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो भी, और माइनस लेंगे तो भी नहीं आएगा, = 35। तो 2a² = 32 या a² = 16, तो a = ±4। इस प्रकार क्या है, b = ±1 पर ये a = दे रहा है। तो अब इनके कॉम्बिनेशन जो है देखेंगे आगे, ये एक लाइन ये है तो संगत ए वैल्यू ये है। अब मैं क्या b को 2 वैल्यू दे सकता हूँ, इसको 2 देने पर क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा 4 × 4 = 12 and 12 = 3 अभी देखें 3 देखते हैं, अभी 2 के लिए हमने देखा, अब 3 देंगे इसको तो 3 × 9 = 27 इधर जाएगा तो ये कैलकुलेशन देगा। b = ±3 यदि लेते हैं तो 2² + 3 × 9 b² करेंगे तो प्लस हो या माइनस हो = 35, 27 हुआ। तो 2² = 35 - 27 = 8 या a² = 4, तो a = ±2। इस प्रकार हो गया कॉम्बिनेशन इसका। अब क्या मैं 3 से भी ज्यादा इसको दे सकता हूँ, 3 से ज्यादा यदि 4 करूंगा तो 4 का स्क्वायर 12 सॉरी 16 16 3 48, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस के रूप में निकलेगा नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन हमने कर लिया। तो इसमें जो एलिमेंट इसका बनेगा a के 4, ये क्या 4 है तो ये प्लस 1 हो सकता है, और a 4 है तो माइनस 1 भी हो सकता है। इसी प्रकार a माइनस 4 है तो 1 हो सकता है, माइनस 4 है माइनस 1 भी हो सकता है। करके देख सकते हैं कि स्क्वायर है तो प्लस वाले दोनों माइनस आएंगे तो भी प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस आएगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। इसके आधार पर देखें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 एंड a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू -3 थी, a की वैल्यू -2 है तो 3 एंड -2 है तो -3। इस प्रकार इसके 8 एलिमेंट हो सकते हैं, 8 एलिमेंट इसके हो सकते हैं टोटल। इसको ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, और सीरियल नंबर में बता रहे थे 9th नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं फिर इसमें कुछ और क्वेश्चन। n(a)(b)=99 है, ए और बी में कुल 99 एलिमेंट के जो कॉमन है हमको फाइंड करना है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में फिनिश किया गया,
तो मतलब एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो इसमें क्या होगा दोनों का एलिमेंट का, जैसे इसका जितना एलिमेंट है, जितना एलिमेंट है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में, ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट हैं वो यहाँ पर बनाएंगे और बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन विपरीत क्रम में जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ऐसे है, तो ए क्रॉस बी बनाएंगे तो 2, 2 बनेगा, 2, 3 बनेगा, 2, 4 बनेगा, ए नहीं है मान लीजिए, 2 बी नहीं है, एंड 2, 5 बनेगा ऐसे, फिर 3, 3, 2 रहेगा, 3, 3 रहेगा, 3, 4 रहेगा ऐसे, 3, 5 बनेगा। मतलब ये है कि कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी के, जितने एलिमेंट हैं उतने बन रहे हैं, फोर के साथ बनेगा ए क्रॉस बी, जो इसमें कॉमन रहेंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होंगे 16 हो जाएंगे, फोर एलिमेंट ले रहे हैं तो एक के साथ ले रहे हैं तो चार के साथ लेंगे, चार के साथ लेंगे, टोटल इसमें 16 एलिमेंट है। ये एलिमेंट मतलब ए क्रॉस बी में है पर बी क्रॉस ए लिखेंगे उसमें नहीं रहेगा, बी क्रॉस ए लिखेंगे उसमें भी रहेगा, बी क्रॉस ए रहेंगे तो कॉमन है तो दोनों में है तो यह तो बनेगा, क्योंकि इससे इससे ऐसे करके ये दोनों में रहेगा। तो इस प्रकार दोनों का कॉमन जो एलिमेंट होगा, जो कॉमन एलिमेंट है उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। जैसे चार एलिमेंट मैंने कॉमन लिया फिर बना करके देखा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए भी वही सब कॉमन है, 2 × 2 से रहेगा, क्योंकि इधर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे तो इंटरसेक्शन होने की वजह से इधर भी एलिमेंट रहेगा, इधर भी एलिमेंट रहेगा उसका, ये 2b में है, ये 2a में भी है, ऐसे करके फिर इसी को लिखेंगे बी क्रॉस ए में, और ये सब एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा जो कॉमन एलिमेंट है उसका स्क्वायर ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 99 स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग समझने वाला था, इसमें ट्रायल लिखे थे, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, बहुत कुछ को निकाला जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास चार ऑप्शन रहेगा प्रतियोगी परीक्षा में, वो चार ऑप्शन को सिर्फ निकालना है, मेथड को नहीं देखना है। एक रिलेशन है, एक रिलेशन है एक्स आर वाई, एक्स आर वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या आना चाहिए, तो ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है हमको खोजना है, ऑप्शन में कोई कहेगा हमको जानना है, तो देख सकते हो एक्स में एक्स से ही यदि हम लेंगे स्वतुल्य, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने से जब संबंध होता है तो उसको स्वतुल्य बोलते हैं, तो वाई को जब एक से रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू रूट टू अपरिमेय आ गया, अपरिमेय आ गया मतलब ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब एक्स और वाई वास्तविक संख्या है ना, एक्स और वाई वास्तविक संख्या है। अब आगे देखिए, यदि हमको अपरिमेय लाना है और सममित बताना है, जैसे y x तो y r x, y r x इसमें x और y y r x इक्वल टू लिखा तो जा सकता है y माइनस x प्लस रूट टू, लेकिन इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये रूट टू तभी आएगा जब y और x को इक्वल करेंगे, तो इस प्रकार से दोनों इक्वल हो जाएगा, y पर डिस करूंगा तभी ये
स्वतुल्य ही कहलाएंगे, इसलिए सम्मित नहीं कर सकते इसको, सम्मित नहीं कर सकते। और संक्रामक तो होगा ही नहीं, जैसे कि कोई भी जैसे वन का हम रूट टू से रिलेशन लेते हैं, रूट टू भी वास्तविक संख्या है, वन का रूट टू से रिलेशन लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो ये वन आ गया, वही नहीं अपरिमेय आना चाहिए था, इसीलिए संक्रामक भी नहीं होगा, ये संक्रामक भी नहीं होगा। आगे निकालेंगे तो रूट टू का किसी और से निकालेंगे, एम आर एन रिलेशन ऐसे परिभाषित है कि एम एन का गुणक है, एम एन का गुणक है ऐसे परिभाषित है, तो हमको ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक की ये सब निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 12 का गुणक है, 12 का गुणक है, गुणक यानी पावर टेबल में आने वाला, इसीलिए 12 अपने से ही रिलेटेड हो जाएगा, मतलब ये क्या है कोई भी संख्या के लिए सही है, इसीलिए स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। अब जैसे लेते हैं कि 12 6 का गुणक है, 12 6 का गुणक है, सममित के लिए 6 को 12 गुणा होना चाहिए, परंतु 6 12 का गुणक नहीं है, 6 12 का गुणक नहीं है, अतः सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब लेते हैं संक्रामक, 12 6 का गुणक है, अब 6 को बता देते हैं, 6 2 का गुणक है, 6 2 का गुणक है, इसका मतलब 7 में क्या हो जाएगा, 12 भी 2 का गुणक है। अगर जैसे 12 और 6 का रिलेशन है तथा 6 और 2 का रिलेशन है, इसका मतलब 12 और 2 का भी रिलेशन है, इसलिए ये संक्रामक है, इसलिए संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिलेशन पर आधारित है, ये कोई सेट है जिसमें जिसके एलिमेंट है ऑर्डर पे गुणा, तो ये युग्मक रूप में है इस प्रकार की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये दूसरा इसी प्रकार के युग्मकों का सेट है एक्स वाई, ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो इसमें ये बिंदुओं का समुच्चय है जो इसको संतुष्ट करते हैं, ये बिंदु का समुच्चय जिसमें ये इसको संतुष्ट करते हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है हमको, कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं इसमें। तो देखिए क्या है कि जैसे कि अभी आगे हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे सरल रेखा वृत्त वगैरह का समीकरण होता है, वैसे ही एक्स वाई में, एक्स और वाई में रिलेशन बताने वाला कोई भी एक फिगर है, कभी वृत्त भी इस प्रकार का एक वृत्त होता है, लेकिन उसमें न जाकर के जैसे हम कोई एक घात का समीकरण लाए हैं उसमें लीनियर इक्वेशन रहते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ऐसे करके इसमें निकालते हैं जैसे ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है, ग्राफ बनाते हैं कैसे एक जगह ही काटता है, दो सरल रेखाएं एक जगह ही काट सकती हैं अधिकतम, तो एक प्राप्त होता है। अब जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, जैसे कोई वृत्त बना दिए, दूसरा वृत्त बना दिए, तो ये दोनों वृत्त जो है दो दो बिंदुओं पर काटा, दो बिंदुओं पर काटने का मतलब ये है कि
इनका एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन था वो एक घात का था, जब इस प्रकार से तो ये दो दो घात का होता है ऐसे, और ये भी दो घात का होगा, ये भी दो घात का होगा, इस टाइप का कोई फिगर है, ये कोई वृत्त या ऐसे कोण आकृति ठीक है एक्स और वाई को संतुष्ट करने वाला, तो उसका हम डायग्राम बनाएंगे तो वो कितने बिंदु पर काट सकता है ये देखने के लिए तो आप लोग के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा चित्र बना करके। इसमें आप ये देख सकते हो इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, तो जैसे उधर मैंने हल किया एक्स और वाई लेकर के, वैसे इसको भी मैं हल कर देता हूँ, हल करूंगा तो क्या होगा कि एक में से एक से मान पूरा करके दूसरे में रखेंगे, जैसे लेकर के रखेंगे तो मान लीजिए यदि हम रखते हैं चलिए यहीं पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल, ये घातों का है ये घातों का है दोनों को निकालेंगे ना तो चार घात का समीकरण बनेगा, यदि मान रखेंगे तो चार घात का मतलब ये चलिए एक बार बना भी दिखाता हूँ मैं, फिर वैसे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा। x² = 25 माइनस y स्क्वायर, इसमें हम रख देते हैं 25 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, तो 8y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, 8y स्क्वायर इक्वल टू 14 में से 5 मिलेगा 119, y स्क्वायर इक्वल टू 119 अपॉन 8, तो y का यहाँ पर दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, सपोज अल्फा एंड माइनस अल्फा, अल्फा एंड माइनस अल्फा कहते हैं। अब जब x में y वैल्यू को इधर रखेंगे तो x की वर्ग समीकरण में यहाँ पे माइनस बीटा और प्लस बीटा करके आएगा दो वैल्यू, अब इनसे हमको बिंदु बनाना है, इनसे हमको बिंदु बनाना है, देख सकते हो माइनस बीटा का अल्फा के साथ और माइनस बीटा का माइनस अल्फा के साथ, बीटा का अल्फा के साथ और बीटा का माइनस अल्फा, इस प्रकार चार बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, चार बिंदु इसमें मिलेंगे ऐसे सॉल्व करने पर। वाई का दो मान आएगा इसलिए वाई के मान को रखेंगे तो एक्स का दो मान आएगा, वो भी वर्ग समीकरण है, इसलिए इस प्रकार इसके चार बिंदु हो जाएंगे। इस प्रकार ये लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।